अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शीरकोरमा बनाने के लिए एक पैन में 2 टेबल स्पून घी के डाल दें, साथ ही इसमें 2 छोटी इलायची के सीड्स डाल दें और इसे रोस्ट कर लें। अब इसमें 1/4 कप कटे हुए बादाम, 1/4 कप किशमिश, 4 से 5 अदद ड्राई खजूरें जिनको मैंने पानी में सोख करके रख लिया था, और साथ ही इसमें ड्राई किया हुआ कोकोनट डालें और इन सबको 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। अब एक पैन में 1/4 कप घी का डाल दें और साथ ही इसमें 1 कप सेवैया ऐड कर दें। अब इसे लो फ्लेम पर इतनी देर रोस्ट करें कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें और जब इसका बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसे एक बाउल में निकाल लें। अब एक दूसरे पैन में 1 लीटर दूध का ऐड करें, इसमें 1/4 कप चीनी का शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चीनी का रेशो आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए 10 मिनट के लिए पका लें और इसमें फ्राइड नट्स डाल दें। 5 मिनट कुक करने के बाद इसमें रोस्टेड सेवैया ऐड कर दें और इन्हें भी 5 से 10 मिनट के लिए पका लें। सेवैया बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं और दूध भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस शीरकोरमा हमारा तैयार है। अब इसको बाउल में निकालें और इसको ठंडा करके सर्व करें। अब मैं ड्राइड नट्स के साथ इसको गार्निश करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।